नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित द्विवेदी है। आज की वीडियो में आपको एरियटोन का 400 वाट का जो स्पीकर है उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करता हूं। आप सभी ये स्पेसिफिकेशन इसका देख सकते हैं। इसमें जो है आपका ये 8 ओम का है और 400 वाट स्पीकर है, 3 इंच स्क्वायर है, 190 का मैगनेट है, 98 dB डेसीबल पे ये काम करता है। एरियटोन का ये जो बॉक्स है काफ़ी अच्छा है और पैकिंग भी काफ़ी हार्ड है, तो आइए पैकिंग फटाफट करते हैं और उसके बारे में बताते हैं आप सबको स्पीकर के बारे में। तो दोस्तों, पैकिंग बहुत ही तगड़े तरीके से की गई है। ये इसका जो एरियटोन का सर्टिफिकेट होता है वो आपका देख सकते हैं। इसमें जो भी यूज किया गया है पैकिंग में मटेरियल काफ़ी अच्छा है और इसको पन्नी से भी जो है कवर किया है ताकि बरसात में कोई दिक्कत ना हो स्पीकर को। और आप देख सकते हैं स्पीकर काफ़ी अच्छा है। इसके साथ में ये आप देख सकते हैं कार्ड, और एरियटोन का स्पीकर है तो भाई दमदारी तो होगी ही। इसका जो मैक्स पावर है वो 800 वाट दिया हुआ है, RMS 400 वाट है। AD15x401M इसका जो नंबर है, मॉडल नंबर वो है, आप देख सकते हैं। बारकोड वगैरह जो भी है बहुत ही अच्छे से इसमें दिया गया है। चेसी की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है और आगे से आप देख सकते हैं गैस्ट कैप और पेपर, जो कि कोन बहुत ही अच्छा है और इसमें जो गैस्ट कैप है वो भी अच्छा है। इसका स्पाइडर भाई बहुत ही तगड़ा दिया है और ऐसा स्पाइडर है कि ये फटेगा भी नहीं। बहुत ही तगड़े तरीके से इसको चिपकाया भी गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो स्पाइडर है ये वर्क भी करता है, बहुत ही मजबूती देता है स्पीकर को और आपका स्पीकर जब बजेगा तब दिखेगा। दोस्तों, स्पीकर में मिड की फ्रिक्वेंसी बहुत ही अच्छी है, तो आप इसको मॉनिटर में यूज कर सकते हैं और टॉप में भी यूज कर सकते हैं। मैग्नेट आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार मैग्नेट है और बहुत ही हैवी है, 190 का मैग्नेट है। और ये आप देख सकते हैं ऊपर से, इसका जो आप देख सकते हैं सस्पेंशन जो है काफ़ी अच्छा है और बहुत ही सॉफ्ट है, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ ये स्पीकर में मिड काफ़ी अच्छा आएगा और बेस भी आएगा, जो कि बहुत ही आवश्यकता है मॉनिटर में। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि मॉनिटर में इसकी फिटिंग कैसे की गई है और इसके साथ HF कौन सा यूज किया गया है। आप देख सकते हैं स्पीकर बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका जो प्राइस है वो 6500 का हमें मिला है अभी हमारे यहीं पास में ही, क्योंकि दूर नहीं गए थे। और इसका डस्ट कैप काफ़ी अट्रैक्टिव है, बहुत ही अच्छा स्पीकर है। मॉनिटर में आप इसको यूज कर सकते हैं, टॉप में भी यूज कर सकते हैं। इस स्पीकर को दोस्तों हम मॉनिटर में फिक्स करते हैं, मॉनिटर के बॉक्स में। ये हमारा बॉक्स है मॉनिटर का। इसमें हमने जो नेटवर्क यूज किया है वो AKG Pro की ओर से है, काफ़ी अच्छा नेटवर्क प्लेट है और इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा नेटवर्क है। इसके साथ में हमने जो HF यूज किया है BE Acoustic का, जो कि 80 वॉट का है, 450 में है, काफ़ी दमदारी के साथ ये बजता है। मैंने और भी ये जो HF है यूज किए हैं और अभी देख सकते हैं ये फ्लेयर में फिट हो गया है। अब मैं इसका कनेक्शन करता हूँ माइनस का माइनस में और प्लस का प्लस में। दोस्तों, ये HF काफ़ी शानदार बजता है और 60 वॉट RMS पावर में है, 80 वॉट लिखा था, बट इसके साथ में बहुत ही अच्छा ये वर्क करेगा। तो दोस्तों, अभी जो स्पीकर है मैंने उसका भी कनेक्शन कर दिया है। आप देख सकते हैं रेड में रेड और जो ब्लैक है ब्लैक, इस तरीके से हमने इसमें कनेक्शन किया है। ये जो हमारे दो वाइट और ब्लू वायर हैं, ये हमारा गया हुआ है नेटवर्क में, जो कि HF के खातिर है, तो नेटवर्क के बाद वो HF में जाएगा और ये दोनों वायर आए हुए हैं स्पीक ऑन सॉकेट से। तो दोस्तों, ये स्पीकर इसी में फिट करेंगे और उसके बाद कुछ ऐसा मॉनिटर दिखता है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो जानकारी दी हमने, अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।